हकीकत बात है कि बाबा साहब ने सही कहा था और सही भी बात है। अगर कहीं भी मौका मिले, सुंदरता में मिले, एजुकेशन में मिले, अच्छे अच्छे टॉपर हमारे यहाँ से निकलते हैं, तो उसी कड़ी के अंदर हमारे बीच में है राक्षसन अभिनेता, निर्माता, निर्देशक। इन्होंने फिल्म बनाई एक उड़ान, हौसले से भरी, उसको रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है। क्या कारण है क्यों रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है, उसके अंदर से क्या खासियत है जो उस फिल्म को आगे रिलीज नहीं होने दिया जा रहा है, आइए हमारे बीच में राक्षसन जी। आपने भी फिल्म एक बनाई है, तो क्या कारण है कि ये जो मंत्रालय है ये फिल्म को रिलीज नहीं कर रहा है? ऐसा है कि जब सिस्टम की बात आती है, अधिकार की बात आती है, जस्टिस की बात आती है जी, मेरा ये कहना है कि हजारों सालों से जो दलितों को, जो शोषित, जो वंचित जो रखा गया है, इसका रीजन क्या है, ये एक उड़ान में हमने उसको थोड़ा सर्च किया है जी। मेरा ये कहना है कि एक दलित रामायण लिख सकता है, एक दलित महाभारत लिख सकता है, एक दलित इस देश का संविधान लिख सकता है। दलितों में इतना टैलेंट, इतनी बुद्धिमत्ता होने के बावजूद भी हजारों सालों से दलित सफरर क्यों? दैट्स माय क्वेश्चन। बट आज़ादी मिल गई, ऑलमोस्ट 70 ईयर कंप्लीट हो गए, इस आज़ाद देश का भारत आज तक दलित प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना, उसका वजह क्या हो सकता है? ये क्वेश्चन हमने एक उड़ान में उठाया है। और जो भारत में जो ग्राउंड से टॉप तक आज जो इनजस्टिस हो रहा है, हमारे माँ बहनों पर अत्याचार हो रहा है, महाराष्ट्र में खेरलान जी ले लो, हरियाणा में दो बच्चों को जिंदा जला दिया, यूपी में नोएडा में हमारे बहन माँ बहनों को निर्वस्त्र कर दिया, बाबा साहब अम्बेडकर की, आज मुझे मेरे कुछ साथी जो बात कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर की, देखो सही ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो महापरिनिर्वाण हुआ, उसके बाद बाबा साहब सही ढंग से समाज के सामने लाने का इतना बड़ा लीडर ही पैदा नहीं हुआ, इसलिए समाज की आज ये सोच आ रही है। और हम ये सोच, ये समाज जो आज जो कन्फ्यूज है, इतने संगठन है, इतनी पार्टियां हैं जी, इसकी वजह से समाज कंफ्यूज है। समाज को अगर सही रास्ता, अगर सही वे अगर मिल गया, सही नेतृत्व मिल गया, तो डेफिनेटली आई एम सेइंग टू यू, बिकॉज समाज यूनाइट हो जाएगा और अपना अधिकार ले सकता है। और यही बात हमने एक उड़ान में की। देखो मैं एक अभिनेता हूँ, राजेंद्र भाई मेरा भाई है, और हर संगठन, जितने भी हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज के संगठन होते हैं, एज ए सेलिब्रिटी मैं चला ही जाता हूँ, बट वहाँ सेलिब्रिटी करके नहीं जाता हूँ, एक समाज का भाई, एक समाज का लड़का, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है। आज इसी बजट में अगर मैं मसाला वाली फिल्म बनाता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन पैसा कमाना रॉक्सन का कभी उद्देश्य था ना, है और ना आगे रहेगा। आज एक फिल्म पर बैन आ गया, नो प्रॉब्लम, दूसरी फिल्म बनाऊंगा, बैन आ गया, तीसरी बना। गवर्नमेंट कितने फिल्मों पर बैन लगा था ये भी मुझे देखना है, क्योंकि ये गवर्नमेंट, मैं ये नहीं कहूंगा कि कौन सी गवर्नमेंट है क्या है, पूरे देश को मालूम है, लेकिन ये संविधान मेरे बाप ने लिखा है और उस संविधान का हर एक आर्टिकल मेरे दिल और दिमाग में है। कितना चाहती है मुझसे वो प्रेशर करेगा, उतना रॉक्सन बाउंस होगा, क्योंकि ये मेरे जो साथी है यही वो ताकत दिखाएंगे। करणी सेना ने जो ताकत दिखाई, उससे ज़्यादा ताकत भीम सेना दिखाई। मेरा ये रॉक्सन जी, अभी आपने बताया कि ये सारे साथी मेरे साथ में हैं, अभी पद्मावती को लेके बहुत बड़े आंदोलन हुए, कहीं बसें फूंक दी गई, सरकारी ऑफिसों में आग लगा दी गई, लेकिन आज जब ये उड़ान की बात आती है तो इस जो बाबा साहब को आप लेके चल रहे हैं, जो दलितों पर अत्याचार हुए हैं उनको लेके चल रहे हैं, लेकिन आज समाज जागरूक नहीं हो रहा है। देखिए, हम पहले संविधान के दायरे में हम आंदोलन करते हैं, शायद मीडिया को मालूम होगा कि पूरे वर्ल्ड के मीडिया को मालूम होगा कि 15 अगस्त 2011 में पूरा समाज सोया था, पूरा पॉलिटिकली जितने भी बड़े बड़े लीडर है सब सोए थे, जब अन्ना हजारे केजरीवाल जब मैदान में उतरे थे जन लोकपाल, उस वक्त उनका हेतु सही नहीं था, जन लोकपाल के बीच में वो संविधान को खत्म करना चाहते थे। उस टाइम इसी दिल्ली में मैंने हर झुग्गी झोपड़ी में जाकर मेरे समाज को मैंने जागृत किया था, शायद इस वक्त आपका चैनल होगा मुझे मालूम नहीं है, बट वर्ल्ड के चैनल थे उस सामने, और इंडिया गेट टू वीपी हाउस तक मैंने जो कैंडल मार्च निकाला था, दिस इज ए हिस्टोरिकल मार्च था, और इंडिया गेट टू वीपी हाउस तक हमने जो आवाज उठाई थी कि जन लोकपाल ये कोई मैजिक नहीं है, जन लोकपाल ये भी इंसान है, और आज संविधान में सब कुछ प्रोविजन है, तो संविधान कॉन्क्रीट बना लो। बाबा साहब ने कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, चलाने वाला अगर बदमाश हो तो संविधान
अच्छा, यानी कि संविधान का इफेक्ट नहीं होगा। और संविधान कितना भी गलत हो, चलाने वाला अच्छा है, तो संविधान का इफेक्ट समाज के ऊपर अच्छा तरह से जाता है। इसीलिए संविधान तो बहुत ही एक पूरे वर्ल्ड में हमारे संविधान जैसा संविधान नहीं। शायद आपको मालूम होगा कि ये शॉट मेरी फिल्म में है, जब लंदन में एक मीटिंग हो गई थी पूरे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड के जजेस ने कहा था कि संविधान में अमेंडमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, इतना अच्छा संविधान है। बट बाबा साहब ने कहा था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। हाँ, और इंसान की वजह से थोड़ा फार लिटिल बिट मिस्टेक हो सकता है, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में अमेंडमेंट का प्रोविजन किया है। आज तक 110 बार अमेंडमेंट हुआ है। हम चाहते हैं कि रोटेशन सिस्टम अमेंडमेंट 2019 ये एक उड़ान का बेस है। देखिए, एक एग्जांपल मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। जैसे कि भारत में इंदिरा कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस पार्टी आ गई, गरीबी हटाओ का नारा दे दिया, 50 साल उन्होंने राज किया, रूल किया, गरीबी हट गई जी। लेकिन आज वो उन्होंने 50 साल राज किया। उसके बाद इंदिरा जी को हटाने के लिए संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश जी ने, संपूर्ण क्रांति हो गई। उस वक्त फेज दो था, फेज जा तो बाबू जगजीवन राम जी का फेज था, और बाबू जगजीवन राम जी को आगे करके इस जनता परिवार ने चुनाव तो लड़ा, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद लगभग ऑलमोस्ट तय हो गया था कि बाबू जगजीवन राम इस देश के प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन उस टाइम चंद्रशेखर, अपना चरण सिंह ने जो एक स्टेटमेंट दे दिया कि मैं एक अछूत के नीति, एक दलित के नीति मैं काम नहीं करूंगा। भाई, हमारा कहना यह है, दलित का फेस आपको चलता है, दलित का नाम आपको चलता है, दलित का संविधान आपको चलता है। जब दलित प्रॉपर पोस्ट पर जब बिठाने का वक्त आता है तो वो दलित। इसीलिए हम चाहते हैं कि जब तक इस देश में रोटेशन नहीं लगेगा, तब तक इस देश का प्रधानमंत्री बन नहीं सकता। रोक्सन जी, अभी अनंत कुमार हेगड़े ने बोला है कि वो मंत्री हैं, उन्होंने बोला है कि भाई हम तो संविधान को ही चेंज करने आए हैं और हम संविधान को चेंज करेंगे। देखो भाई, मेरा दुख वही है, मैंने फिल्मों में वही दिखाया है कि जिस बाबा साहब की हम बात करते हैं, बाबा साहब अंबेडकर ने इस देश के सामाजिक क्रांति का जो शुरुआत की थी, जो डॉक्टर अंबेडकर भवन बॉम्बे में है दादर में, वही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने उस अंबेडकर भवन में महाड़ का सत्याग्रह चलाया, कालाराम सत्याग्रह चलाया, और कहीं यानी कि प्रबुद्ध भारत, मूक नायक, जनता जैसे पाक्षिक, उन्होंने जैसे अखबार निकाले, वही अंबेडकर भवन हमारे ही कुछ दलित जो लोग थे उनको हाथ में हाथ मिलाकर फासिस्ट जो जातिवादी लोग गए, उन्होंने रात को 1 बजे डॉक्टर अंबेडकर भवन डिमोलिश कर दिया। आज अंबेडकर भवन यानी कि वो इमारत डिमोलिश नहीं की, बाबा साहब अंबेडकर के विचार उन्होंने डिमोलिश किया, और वही लोग आज सत्ता में है। मैं चाहता हूँ कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग जो सत्ता में है वो लोग क्या कर रहे हैं। उनके सत्ता में हमारे माँ बहनों पर अत्याचार हुआ, ऐसा मैं ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस के भी राजवट में उसमें भी हुआ था, आज भी ये हो रहा है। तो इसीलिए दलित को यूनाइट होना, दलित जब तक यूनाइट नहीं होगा तब तक ये इनजस्टिस होता रहेगा। और इसीलिए हम जो लोग हैं, जो अभिनेता, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर, हमने ये सोचा कि फिल्म के माध्यम से अगर समाज को अवेयरनेस करेंगे, क्योंकि फिल्म इज नॉट एंटरटेनमेंट बट फिल्म इज ए मिरर ऑफ द सोसाइटी, समाज का आईना होता है। जैसे हम फिल्मों में काम करते हैं वैसे समाज उसको फॉलो करता है। इसलिए मैंने राजेंद्र भाई को बोला कि भाई आपकी मूवमेंट अच्छी है, हम आपको साथ देंगे, आप समाज को एक कवर करो, जहाँ जहाँ मेरी जरूरत होगी वहाँ वहाँ मैं आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। दैट्स ऑल, धन्यवाद सर, थैंक यू।